गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 10 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं मतलब अभी नहीं, बहुत देर पहले ही उठ गई थी, बट व्लॉग स्टार्ट अब कर रही हूँ क्योंकि आज इन मम्मी पापा वगैरह को जाना है सगाई में, तो वही मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प कर रही थी उनकी साड़ी वगैरह निकलवाने में। और फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही, मतलब लेट ही रही। और आज हमारे लिए आया है बाहर से ब्रेकफास्ट, सिर्फ रिया और मेरे लिए कचौड़ी और सब्जी आलू की। तो बस अभी ब्रश वगैरह करके थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होके फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और अंदर आंटी आई हैं, बर्तन धो रही हैं वो, इसलिए खटखट की आवाज़ आ रही है। रिया और मेरे साथ पोपट हो गया है। हमने मंगाई थी कचौड़ी, ताऊ लेके आए थे, तो हम लोगों ने कचौड़ी मंगाई थी और कचौड़ी की जगह यहाँ ले आए हैं ताऊ भेड़मी पूड़ी। हमें लगा कचौड़ी है, तो मैंने कहा कि चलो भूख लग रही है अब खा ही लेते। वैसे 10 बजे लेके आए थे और अभी 11 बज रहे, 11 बजे हम खाना स्टार्ट कर रहे थे, तो अभी हमने देखा कि भेड़मी पूड़ी लेके आए हैं और अभी ताऊ घर पे है भी नहीं, वरना तो मैं उनको भेज देती कि चेंज करके लाओ क्या ले आए। सही है यार, इन्हीं गाइस अब इसी से काम चला लेते हैं हम लोग, अभी यही खा लेंगे। अब ताई आई है तैयार होके सगाई में जाने के लिए और ये यहाँ पर मुझे कुछ समझा रही है क्योंकि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ताई समझा रही है। हाँ तो समझाओ ताई, तो टॉर्च ऑन करे तो मुझे। अच्छा फ्लैश ऑन करूँ, रुको या तो और कोई लाइट हो। मैं ताई से समझ रही थी क्योंकि क्या समझ रही थी, एकाशी आती है ना, तो वो कैसे पता लगता है कि आज के दिन एकाशी है क्या है, मतलब कब कब आती है, महीने में दो बार आती है ना एकाशी, तो मैं वही समझ रही थी ताई से कि मुझे बताओ कि कैसे पता चलता है। तो अब मैं समझ गई हूँ, ताई ने मुझे पूरा समझा दिया, कैलेंडर लेके बैठी और उन्होंने पूरा समझा दिया मुझे। ये सब लोग तैयार हो चुके हैं, बस रिया और मैं नहीं जा रहे, हम दोनों को अकेले छोड़ के जा रहे घर पे। चौकीदारी की मम्मी भी तैयार हो गई, मम्मी का जूड़ा देखो बीच में। ताई अब ताई अपने बालों में हाथ लगा रही है, ताई के बाल इतने लंबे तो ऐसे बन जाते हैं जूड़ा। हमारे बालों को देखो, इतनी ठंड लगती है ना इसको। अब बाल में नीचे दबा लेते हैं, ऊपर से हटा देगा, ऊपर से कांपता रहेगा और हम लोग ऐसे सही करते रहे इसको। कैसे लग रहा है बालू, सो जाओ चलो। और अब सब लोग चले गए हैं सगाई में, बस रिया और मैं अकेले हैं, अब कोई भी नहीं है। और वो वहां पर स्नैप बना रही होगी पक्का बालू की। हाँ स्नैप ही खोल रखी इसने, मैं कहती हूँ स्नैप बना रही होगी बालू की। गाइस रिया तो अब अपना पढ़ रही है और मैं बहुत देर से लेटी हुई थी, मैं फ़ोन चला रही थी इतनी देर से लेटे लेटे, रजाई के अंदर सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ना मेरे ये वाला हाथ में पता नहीं क्या हो गया, लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है, काम नहीं कर रहा मेरे ये वाला हाथ, तो पता नहीं क्या हो गया। और मैं बहुत देर से लेटी हुई और ये पढ़ाई कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी ये पढ़ाई कर लेगी ना, उसके बाद मैं जाऊँगी मार्केट क्योंकि हमारे बैचलर पार्टी भी है, कॉकटेल पार्टी, तो उसके लिए ड्रेस वगैरह देखनी है। वैसे तो हम लोग लेके आ गए हैं, रिया और मैं ले आए हैं अपने लिए, बट थोड़ी और अच्छी लेके आनी है अब। पहले भी अच्छी लेके आए हैं ऐसा नहीं है, तो वो हम लोग सोच रहे हैं कि वो किसी और चीज़ में काम आ जाएगी, तो एक ड्रेस और लेके आनी है एक हम दोनों को अभी जाके। तो ये पढ़ाई कर लेगी, अभी 3 बज रहे हैं तो मतलब 4-5 बजे हम लोग जाएंगे लक्ष्मी नगर जाएंगे या मधुविहार जाएंगे देखते हैं, बहुत ठंड है तो पहले मधुविहार जाके देख लेंगे, वहाँ मिल जाती है तो ठीक है, फिर लक्ष्मी नगर जाएंगे। गाइस अभी मैं उठ चुकी हूँ, 4:30 बज रहे हैं, मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर अभी मैं उठ गई हूँ और ये अभी भी पढ़ ही दिया। तो मैंने तो सोचा कि मतलब आज हम लोग मार्केट ना जाएं क्योंकि हम, मैं सोच रही हूँ कल 22 जनवरी है, कल हमारे राम जी आएंगे अयोध्या में, तो थोड़ी सी रील्स वगैरह वीडियो वगैरह बना लूँ। तो देखते हैं अभी रिया क्या बोलते हैं, मार्केट जाना है या पहले वीडियो बनानी है, देखते डिसाइड करते, दोनों काम आज ही करना है। तो पहले मैं सोचू वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर मैं मार्केट जाऊँ। अब रिया से पूछती हूँ उसका क्या कहना है, अभी तो वो पढ़ाई कर रही है थोड़ी देर में, इतने में थोड़ी सी वीडियो वगैरह देख लेती हूँ कि कौन सी वीडियो बनानी है। ये लोग आ चुके हैं, मम्मी पापा आ गए घर पर, तो अब मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ मैं नीचे एकेडमी में, वीडियो वगैरह देखती हूँ कौन सी वीडियो बनानी है। तो बस फटाफट से चाय बना के फिर जा रही हूँ नीचे।
यहाँ मैंने चाय बना दी है, अब मैं फटाफट से पापा को दे दूँ। मम्मी तो अभी मना कर रहे हैं क्योंकि अभी मम्मी और मुझे मार्केट जाना है, तो पापा को दे देती हूँ पहले चाय। अब हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। गंदी शक्ल लेके, तेरे से अच्छी शक्ल है, वो पीछे खड़े होके बोल रहा गंदी थी शक्ल लेके। मैंने कुछ लगाया नहीं है फेस पे, मुंह धो लिया था बस। हम लोग रेडी हो चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, और मम्मी यहाँ आलता लेके बैठी हैं हम लोगों के लगाने के लिए हाथों में आलता। आज हम लोग पूरी वीडियो बनाने वाले हैं। अच्छा पहले सीधे हाथ पे, चलो ठीक है पहले मैं आलता लगवा लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। अब रिया के लग रहा है सबसे पहले आलता। ये अच्छे लगते हैं हाथों में बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर लगते हैं। फिर आज पूरी वीडियो शूट करने वाले हैं हम लोग राम जी की। हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस रिया को ना डर लग रहा है, एक्चुअली अभी घर में शादी है ना, तो क्या जब तक हटेगा नहीं तो मेहंदी लगवानी है। मैं हट जा रहा है तो हट ही जाता है, तीन चार दिन में हट जाएगा। पानी पानी हो रहा है छोटी, इसलिए हल्का वाला लाई हूं। अच्छा वाला लाई दो है मेरे पास, ठीक है। हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं और हम लोगों ने आलता भी लगा लिया है, फूल वाला भी बांध ली, कितना अच्छा लग रहा है। बस अब फटाफट से वीडियो शूट करेंगे, फिर वापस से कपड़े वपड़े चेंज करके अपने असली रूप में आ जाएंगे। अभी तो बस वीडियो बनाने के लिए आए हैं ये, इसके पास टाइम नहीं होता। मैं पहले भी आई थी ना, मैंने इसको पहले भी बोला था कि चल आ जा दोनों मिलकर रील बना लेते, तब भी इसे मना कर दिया कि पेपर है पढ़ना है पढ़ना है। आज इतनी मुश्किल से मानिए रेडी हुई है इतनी मुश्किल से, अब वीडियो बना रहे फटाफट से, वरना इसका मूड चेंज हो सकता है कभी भी। नहीं पढ़ने जाना है। हाँ हम लोग ऊपर आ चुके हैं रूम में, अभी भी आए हैं वीडियो वगैरह बना के, तीन चार वीडियो बनाई है हमने और वीडियो बन गई है हमारी। अब मैं फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, अपने असली रूप में आ जाऊँ, फिर से थक गई। साड़ी पहन के ना भाई साहब, आज मैंने साड़ी खुद बांध दी अपनी और बिल्कुल चला नहीं जा रहा, मेरे से पैर दोनों चिपक गए हैं मेरे, बिल्कुल साड़ी बांधने नहीं आती अभी सही से, क्योंकि साड़ी मैं पहनती ही नहीं हूँ अब। पहले तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी अब, क्योंकि अब मैं थोड़ा बहुत पहनने लग गई हूँ साड़ी, क्योंकि अच्छी लगती है। कभी कभी साड़ी पहनो ना तो अच्छा लगता है साड़ी पहन के, तो इसलिए मैं अब पहनने लग गई हूँ। तो मैं बांधना भी सीख रही हूँ, तो मैं खुद से बांध लेती हूँ, तो अब इतनी बुरी नहीं बांधती, तो सही से बांध लेती हूँ, ठीक ठाक साड़ी मैं बांध लेती हूँ। प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई नहीं बांधती रहूँगी ना, तो बांध ही लूँगी अच्छे से, सीख जाऊँगी। इस मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और मैं आपको अब दिखाती हूँ मेरठ में कैसी डेकोरेशन हो रखी है, क्योंकि मैं तो यहाँ दिल्ली में हूँ और ये घर पे है मेरठ में। तो इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी है पूरी कॉलोनी की, कितने अच्छे से हमारा मंदिर, पूरी कॉलोनी, हमारा घर, सबके घर आस पड़ोस में कितने अच्छे से सजे हुए हैं ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ का नज़ारा ही एक अलग है, तो मैं आपको वहाँ की क्लिप दिखाती हूँ अब। गाइस ये तो दिल्ली गई हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जस्ट अभी घर पे आया हूँ और मैं दिखाता हूँ कि हमारी कॉलोनी इतनी सुंदर सजी हुई है, हमारा घर भी सज चुका है, हमारे मतलब घर के आसपास जितने भी घर हैं सारे सज गए हैं। कल राम जी आने वाले हैं हमारे, कल हमारे राम जी का प्राण प्रतिष्ठान है, तो मैं आपको सब दिखाता हूँ हमारी कॉलोनी कितनी सुंदर सजी हुई है। गाइस ये हमारा घर पूरा सज चुका है और यहाँ आगे जितने भी सारे घर हैं ये सब देखिए, ऐसा लग रहा है कि दिवाली, और सच बताऊं कि मैं आपको कि सच में दिवाली दोबारा से आ गई है, और ये सबसे बड़ी दिवाली है हमारे लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी दिवाली है हमारी, कि देखिए हमारी कॉलोनी कितनी अच्छी सजी हुई है। मैं आपको जहाँ तक भी दिखाऊँ वहाँ तक पूरे सब सजे हुए हैं, ये देखिए। गाइस यहाँ पर चल रही राजमा चावल पार्टी। राजमा बने कैसे ये तो बताओ, पारुल ने बनाया। मैंने ज्यादा दिखा नहीं रखती, मेरे से खाया नहीं जाता, ज्यादा तो मैं भी नहीं खाती। पापा तो नाली भी नहीं डाली ना, मैं मेरे को ना पीला पीला खाना ना पसंद नहीं आता, मुझे एलर्जी हो गई है। मेरे वो दिन छोले भी मैंने बनाए थे। गाइस हम लोग कल की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कल है हमारे घर पर पार्टी, तो क्योंकि कल 22 जैन है, कल राम जी आएंगे, तो हम लोग अपने घर में वो
भजन वगैरह करेंगे और पार्टी वगैरह घर में सब लोग मिलके खाना वगैरह बनाएंगे, तो उसकी प्लानिंग कर रहे थे बहुत देर से। तो हम सब लोग पूरी फैमिली मिलके सब लोग वही डिसाइड कर रहे थे इतनी देर से। तो अब टाइम कितना हो रहा है, 11:45 हो रहे हैं। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं ऊपर नीचे के बहुत देर से चक्कर लग रहे हैं। तो चलो गाइस बाय, इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस, लव यू ऑल। और हाँ, जय श्री राम।